हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम आपको बताएंगे मिल्क पाउडर से ही बहुत ही स्वादिष्ट और रंग बिरंगी मिठाई किस तरह और कैसे बनाई जाती है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई अपनी उस पर गैस पर रख ली है और अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून घी। ये मैंने देसी घी लिया हुआ है। अगर हम मिठाई बना रहे हैं तो उसके लिए हम देसी घी का यूज़ करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मेल्ट कर ले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास दूध। तो देखिए मैंने दूध इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे बॉयल होने दूँगी थोड़ा सा, ताकि हमारी मिठाई काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हो। जब आप दूध गर्म करके अपनी मिठाई बनाते हो तो आपकी मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा दूध मेल्ट हो चुका है, हमारा दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर। ये मैंने आंगनवाड़ी का मिल्क पाउडर लिया हुआ है। आपको एकदम से सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डालेंगे और इसे हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह पैकेट 1/2 kg का होता है। आप चाहो तो इसमें दे आधा भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अपना सारा मिल्क पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा दूध और मिल्क पाउडर और घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे और हमारा जो मिल्क पाउडर है उसे अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, विटा का भी ले सकते हैं या फिर एवरीडे का भी ले सकते हैं, उनसे भी आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी बनेगी। तो देखिए, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी जब तक यह अच्छे से पक नहीं जाता और हमारी मिठाई वाली कंडीशन में नहीं आ जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका धीरे धीरे कलर भी चेंज हो रहा है और यह बिल्कुल डोल जैसा होकर तैयार हो रहा है। तो इसे धीरे आपको लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना है, इससे कि आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। तो देखिए, मैंने इसमें 1 स्पून घी और डाल दिया है। तो फिर से हम इसे इसी कंडीशन में ले आएंगे कि हिलाते रहेंगे, उससे यह ना तो नीचे की तरफ चिपकेगी और आपकी मिठाई काफ़ी चिकनी और काफ़ी अच्छी बनकर तैयार। इसलिए मैंने ये 1 स्पून इसमें घी डाल दिया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डो जैसे कंडीशन में धीरे धीरे आ चुका है, जो इसमें लम्स हैं वे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी मैं इसे 2-3 मिनट और पका लूँगी। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर की मिठाई बिल्कुल हमारी हलवाई जैसी मिठाई बनकर तैयार होती है मिल्क पाउडर से। आप इस मिठाई को कभी भी किसी भी टाइम घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आ रहा है और आपकी समझ में कुछ आ नहीं रहा है तो आप इसे फटाफट बनाकर दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता है, यह 5 से 10 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो अगर आपको फटाफट कुछ मीठा बनाकर देना है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर आजमाइएगा और आपको ये हलवाई की दुकान से लाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो आप इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कमाल की बात तो यह है कि जो भी गेस्ट आपके इस मिठाई को खाएंगे वो ये बता ही नहीं पाएंगे कि ये हलवाई की दुकान से मंगवाई हुई है या घर पर बनाई हुई है। इसका टेस्ट बिल्कुल हलवाई की मिठाई से भी बढ़िया और अच्छा आता है। मिठाई को घर पे बना लेंगे तो आप हलवाई से मिठाई लाना ही भूल जाएंगे हलवाई की दुकान से। आप घर पे ही इस रेसिपी को बनाकर जब आपका कुछ भी मीठा खाने का मन करेगा तो आप इसी तरह इस मिठाई को बनाकर तैयार करके आप घर पर ही एंजॉय कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह बिल्कुल मिठाई की कंडीशन में बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि आप जो इसके शेप देना चाहो वो दे सको। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे इसी तरह छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। आपको इस कंडीशन में आने के बाद इसे फिर से इकट्ठा सा कर लेना है। अब आप इसे जो शेप देना चाहो वो दे सकते हो। देखिए, अंदर से ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है, रेड कलर का हो चुका है, थोड़ा अब भी ये हल्का हल्का गर्म है। तो अब मैं अपने हाथों पर लगाऊंगी चिकनाई। तो देखिए, मैं अब हल्का सा अपने हाथों को चिकना कर लूँगी इस प्रकार, और अब इसे इसमें से एक बोल लूँगी और जो शेप आप इसमें देना चाहो वो दे सकते हो। पहले मैं इसे हल्का चिकना करूँगी ताकि ये
अच्छे से इसकी जो शेप बनाना चाहूँ वो बन जाए। तो उसके लिए मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा घी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हाफ टी स्पून। लेकिन घी आपको इसमें तभी डालना है जब आपको यह हल्का गर्म लगे। अगर ये ठंडा हो चुका हो तो आप इसमें घी ना डालें। फिर आप इसी तरह से बनाने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे कोकोनट पाउडर खाना, कोकोनट या फिर नारियल वगैरह खा लेते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा नारियल भी मिला सकते हैं। मैं इसमें नहीं मिला रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है नारियल। तो देखिए, आज हम इसका कुछ अलग ही इसका डिज़ाइन देंगे। इस प्रकार मैं इनकी छोटी छोटी सी पित्तियाँ बनाऊँगी। देखिए, इस प्रकार मैं इसे प्लेट में रखती जाऊँगी। दोबारा फिर से हम इतना ही वो लेंगे और इसकी भी इसी प्रकार पित्ती सी बना देंगे, क्योंकि हमें ये चिकना बनाना है थोड़ा सा। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी डालकर इसे चिकना किया है, ताकि हमारे ये छोटी छोटी सी जो हम बना रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है मीठा कम ही खाया जाता है, और इसी प्रकार अगर आप छोटी छोटी ये मिठाई का डिज़ाइन बनाएंगे तो काफ़ी बच्चे भी काफ़ी खुश होकर खाएंगे, क्योंकि उन्हें भी एक अलग सा डिज़ाइन लगेगा ये, और यह खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार हुई है। अगर किसी को कम मीठा खाना है तो इसी प्रकार यह एक रोल लेकर खा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस शेप में इन्हें बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो यह बिल्कुल छोटे छोटे काफ़ी अच्छे रोल्स बने हुए हैं। और जैसे कि कोई ज़्यादा बड़ा नहीं खाना पसंद करता, तो यह छोटे छोटे रोल्स आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छा सा वर्क देने के लिए मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ चांदी का वर्क, जिससे कि ये दिखने में काफ़ी अच्छे दिखेंगे और इसकी शो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो देखिए, अब मैं इस पर लगाऊंगी चांदी का वर्क। तो देखिए, इसकी गार्निश के लिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया है थोड़ा थोड़ा अपना चांदी का वर्क। आप देख सकते हो दिखने में कितने अच्छे, कितना बढ़िया दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये हाथों से बिल्कुल नहीं लगता है। जब इसे आप हाथों से लगाने की कोशिश करते हैं तो ये आपके हाथों पर ही चिपक जाता है, क्योंकि यह काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी नरम होता है। तो इसलिए आप इसे जहाँ तक उसकी इस प्रकार कागज़ से ही लगाइएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारा चांदी का वर्क इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से लगकर तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये बढ़िया और स्वादिष्ट रोल छोटे छोटे बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें से एक रोल मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए यह कितना बढ़िया और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।